एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था कैरन। वो एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। वो अपनी अम्मी से हर एक बात जानना चाहती थी। मम्मी, ये छोटी छोटी चीजें क्या चमक रही हैं आसमान में? ये सब सितारे हैं बेटा। जो लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं वो सब सितारे बन जाते हैं बेटा, और आसमान में हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना था, एक ही कपड़े थे और एक ही चप्पल थी। वो चप्पलें उसकी अम्मी ने बनाई थी जो उसको काफी ज्यादा चुभती थी। एक दिन कैरन की अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो कैरन शहर चली गई अपनी अम्मी के लिए दवा लेने। उसे रास्ते में लाल जूते दिखे। जूते इतने खूबसूरत थे कि कैरन उसे घर ले आई। देखिए अम्मी, ये जूते मुझे रोड पर से मिले हैं, कितने खूबसूरत हैं ये। शायद ये किसी और के हैं कैरन, तुम इन्हें वापस रख कर आ जाओ। अगर ये किसी के होते तो वो इसे ऐसे पार्क में नहीं छोड़ते। हो सकता है कि कोई गलती से भूल गया हो। कुछ भी हो, ये मुझे मिला है और अब ये मेरा है, मैं इसे वापस नहीं रख के आऊंगी। मेरी प्यारी बेटी सुनो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए नए जूते खरीद सकूँ, इसलिए तुम किसी और के जूते मत पहनो। देखो, जिद नहीं करो, वादा करो तुम ये जूते नहीं पहनोगी। कैरन उदास हो गई और अपनी अम्मी से वादा किया कि वो ये जूते नहीं पहनेगी, और उसे बेड के नीचे रख दिए। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कैरन अपने घर आई और उसे उसकी अम्मी नहीं मिल रही थी। उसने हर जगह देख लिया और फिर वो जान गई कि उसकी अम्मी एक सितारा बन चुकी हैं। अगले दिन जब वो अपनी अम्मी की कब्र पर जा रही थी तो उसने वो लाल जूते पहने। जितने भी लोग थे उन सब की नजरें कैरन के जूतों पर थीं। अरे लड़की को अपनी मां के जनाजे पे ये लाल जूते पहने हैं। लेकिन कैरन ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उसे वो जूते बहुत पसंद थे। एक अच्छे दिल की बूढ़ी औरत वहाँ पर रुकी। उस बूढ़ी औरत को पता चला कि इस बच्ची की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मेरे साथ आओ प्यारी बच्ची, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए और खूबसूरत जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो कैरन उन बूढ़ी आंटी के साथ रहने लगी। कैरन, ये जूते तुम तब से पहनी हुई हो जब से तुम्हारी माँ मरी है, अब तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए, ये बहुत गंदे हो गए हैं। नहीं, मुझे रेड शूज बहुत पसंद हैं। कैरन, अब जिद नहीं करो और इन्हें फेंक दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी। कैरन बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने जूते कचरे में फेंक दिए। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन कैरन अपने नए कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को नए जूते लाकर दिए। लेकिन कैरन को ये जूते पसंद नहीं आए। ये तो नीले हैं और ये बहुत बुरे हैं, मुझे ये जूते नहीं चाहिए। कैरन को अपने लाल जूते बहुत याद आ रहे थे। वो बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत लड़की बनी, लेकिन उसका जिद करना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बूढ़ी औरत जब भी उसके लिए तोहफा लाती तो वो ये कहती, मैं ये नहीं पहनना चाहती। बेटा, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मुझे ये खाना नहीं खाना, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए। एक निवाला तो खा लो बेटा। बूढ़ी औरत बहुत उदास हुई जब कैरन टेबल से उठकर चली गई। उसने कैरन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और उसके कमरे में ले गई, और तभी कैरन अपने नीले जूते उतार रही थी। देखें, मेरी सारी की सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं,
मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, चलो हम बाहर चल के तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते ले आते हैं। फिर बूढ़ी औरत और कैरन मार्केट के लिए निकल पड़े। ये तो बिल्कुल मेरे रेड शूज की तरह है, मुझे यही चाहिए। चलें चल के ये खरीदते हैं। कैरन, तुम्हें ये लाल जूते खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे जूते चाहिए जो तुम कहीं भी पहन सको, जैसे कि हमें किसी के जनाजे में भी जाना पड़े। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही जूता दिला सकती हूँ, वो देखो, वो काले जूते। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं, अगर आपने मुझे दोनों जूते ना दिलाए तो मैं हर जगह बगैर जूतों के जाऊंगी। ओह कैरन, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते लिए और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को वो लाल जूते भी दिला दिए। बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो जिद्दी कैरन से बहुत परेशान हो गई और कैरन अपने नए जूते पहनकर घर वापस आ गई। एक दिन बूढ़ी औरत ने कैरन को कहा कि हमें एक जनाजे पर जाना है। कैरन, याद रहे तुम्हें अपने काले वाले जूते पहनने हैं, एक जनाजे में जाने के लिए ये जरूरी है। कैरन ने अपने काले जूतों को देखा और उसके बाद अपने लाल जूतों को। उसने लाल जूते पहनने का फैसला किया। जब वो लोग घर से निकले तो उसने उन लाल जूतों को छुपा लिया ताकि बूढ़ी औरत वो लाल जूते ना देख पाए। जनाजे पर सबने कैरन के जूते देखे जो कि बहुत चमक रहे थे। सारे लोग एक दूसरे से कैरन के जूतों के बारे में बातें करने लगे। जब बूढ़ी औरत के कानों में वो बातें आईं, तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था और तुमने वापस से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, थोड़ी इज्जत करना सीख लो। एक खूबसूरत शहजादा उस वक्त वहां से गुजर रहा था। वो कैरन के पास आके रुका और उसकी तारीफ करने लगा। कितनी प्यारी हैं आप और ये जूते आप पे कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह शहजादे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छी डांसर लग रही हो, मैं तुम्हें आज की रात डांस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ, तुम जरूर आना। शहजादे की ये बात सुनकर कैरन खुशी से डांस करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ओह, मैं अपने पाँव क्यों नहीं रोक पा रही हूँ, ये आखिर क्या हो रहा है। कैरन डांस करते करते वहाँ से भाग गई और शहजादा उसके पीछे गया। कैरन वापस आओ। शहजादे ने उसका पीछा किया लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। कैरन के लाल जूते उससे भी ज्यादा जिद्दी थे। वो जूते उसे पहाड़ों के ऊपर भी ले गए और उसे दिन रात बस नचाते रहे। कैरन के पैर बहुत दर्द करने लगे और वो जोर जोर से चीखती रही। ओ, 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 ओ। जबकि वो मिट्टी में गए और झाड़ियों में भी गए, लेकिन वो रुके नहीं। ओह, बहुत हुआ, मैं थक गई हूँ, मैं आइंदा से जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे ही कैरन ने कहा कि वो जिद करना छोड़ देगी, वो जूते अपने आप उसके पैरों में से बाहर निकल गए और कैरन भी नीचे गिर गई और वो जूते बिना कैरन के डांस करने लगे। कैरन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए उसने एक लकड़ी उठाई और उसके सहारे अपने घर गई। कैरन अपना घर देखकर खुशी से रोने लगी। वो बूढ़ी औरत के पास गई और उससे गले लगा लिया। मैं जानती हूँ कि मैं जिद्दी थी, लेकिन मैं आइंदा से अब जिद नहीं करूंगी। जब कैरन ने जिद करना छोड़ दी
तो सब कुछ सही रहने लगा। एक दिन कोई दरवाजे पे आया और वो शहजादा था। अरे तुम कहाँ हो केरन? मैंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा और तुम इतना तेज नाची कि मैं तुम्हें ढूंढता रह गया। कहाँ थी तुम? केरन शहजादे को देखकर बहुत खुश थी और उस दिन से शुरू हुआ केरन और शहजादे का प्यार। उसने जिद करना छोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी।